यार आर्यन, कब तक घर वालों के टुकड़ों पे पलते रहेंगे यार? यार हम तो 3 बार 12th में भी फेल हो गए हैं। अबे वो तो ठीक है, हमारे साथ के दोस्त ग्रेजुएशन करके नौकरियों पे लग गए, कर्रा रुपा छाप रहे हैं यार। यार कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बाप मुझे अब घर में रहने का भी किराया मांगने लगेगा यार। है? अबे यार क्यों डाला है बे? अबे खाने दे यार। बड़ी मुश्किल से अपने बाप से 10 रुपए मांग के लाया हूँ, तब जाके चिप्स का पैकेट आया। खाने दे यार। अबे ये कब तक 10-10 रुपए के चिप्स और 5-5 रुपए की पेप्सी के लिए मरते रहेंगे यार? कुछ बड़ा कर भाई। बात तो सही है यार, बात तो सही है ही यार। आर्यन पता है सारी दिक्कत कहाँ आ रही है? सारी दिक्कत ये है कि हम दोनों के अंदर ना बचपन से साला मोटिवेशन था ही नहीं। मोटिवेशन की कमी है यार। ये मोटिवेशन आए कैसे? अरे भाई ये मोटिवेशन आए कैसे यार? मोटिवेशन मिलेगा हमें मोटिवेशनल क्विट से। क्या मोटिवेशनल क्विट से? ये क्या होता है भाई? अरे वो मोटिवेशनल अरे तू मोटिवेशन कोट की बात तो नहीं कर रहा? बात कर रहा हूँ उसी से मिलेगा मोटिवेशन हमें यार। तो वो कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेगा हमको यूट्यूब पे। यूट्यूब पे एक बंदा है मनदीप मानकेश्वरी, वो देगा हमें मोटिवेशन। तो खोलना भाई वीडियो। तो ले देख फिर। ओ एक मिनट, ये आईफोन कहाँ से आया भाई तुझ पे? याद है तुझे बीच में मेरी किडनी में दर्द हुआ था? हाँ उसी का नतीजा है भाई। यार लेकिन ये फोन बहुत बढ़िया है यार, मेरा बाप कभी नहीं दिलवाएगा भाई, और ना मैं किडनी बेच पाऊंगा अपनी। अबे तू रोता क्यों है? मोटिवेशन ले मोटिवेशन। ये वाला सेमिनार खोल, ये वाला हौसलों से ही उड़ान होती है। हाँ ले ये देख। तो हम आज का मोटिवेशन सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आज का पहला मोटिवेशन है, फल की चिंता मत कर, कर्म करता जा। तो आज का मोटिवेशन सेशन हम एक बहुत ही प्यारे मोटिवेशन से एंड करेंगे, जो कि है चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कितनी भी तकलीफें हो, सब कहाँ से आती हैं? हमारे दिमाग से। तो फिर हम लोग उसे खुशी में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे दिमाग से आती है। तो फिर आइंदा जब भी कुछ भी परेशानी हो तो फिर उसे हमेशा अपने दिमाग से कन्वर्ट करके खुशी में कन्वर्ट करो, उसे हंस कर खेल कर हैंडल करो। तो फिर कोई भी परेशानी आपको बुरी नहीं लगेगी, एकदम अच्छी लगेगी। ठीक है, बाय बाय। आज का मोटिवेशन सेशन ऐसे ही एंड हुआ, अगले मोटिवेशन सेशन में बने रहें। भाई इनके हिसाब से दुख या खुशी कुछ होती ही नहीं है, मतलब ये सब हमारे दिमाग में क्रिएट होता है। यानी इनके हिसाब से चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे प्यार हो, सबको हम खुशी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करते हैं ना भाई। अब तो बता दे यार अपने नंबर। मैं नहीं बता रहा, पहले तू दिखा। तू दिखा पहले फिर दिखाऊंगा। मैं पहले तू दिखा ना। तू दिखा दे, मैं दिखाऊंगा ना। पक्का? तू दिखा पहले, देख ले। तू दिखाएगा? ले मैं फेल हो गया यार। अबे तू तो फेल हो गया यार, तू फेल हो गया, फेल हो गया। अबे तू भी तो फेल हो गया यार। हम दोनों ही फेल हो गए यार। यार हमारा बाप बहुत बुरी तरह तोड़ेगा यार। मोटिवेशन नंबर 1, सब कुछ हमारा दिमाग बनाता है, यानी दुख को खुशी में बदलो। तो बदलो ना यार, बदलो ना यार। फेल हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए। तो क्या हुआ? फेल तो होना ही होता है यार। और क्या? तू तो फेल हुआ क्लास में, हम ही हो गए। यार ये मोटिवेशन है तो बढ़िया चीज, बिल्कुल दुख फील नहीं होता है ना, है ना। चल मोटिवेशन देखते हैं भाई, आजा। हाँ हाँ ये वाला लगा, ये वाला। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं गिर गया, पर मैं जो गिरा वो मेरे लिए एक तजुर्बा था। तो आज का मोटिवेशन यही है। तो समझे गाइस, जो होगा तजुर्बा ही तो होगा, तो इतना डरना क्यों?
तो गाइस आज से ही जो भी करो तजुर्बे के लिए करो, इतना डरना नहीं। ठीक है गाइस, आज के सेशन में एंड करता हूँ, बाय बाय। क्या ही होगा जिंदगी में, क्यों डरते हो इतना? जो होगा तजुर्बा ही तो होगा। वाह यार क्या बात कही है, क्या बात कही है यार। यार कैसे इसने बात गलत क्या कही है, याद है तुझे मुकुल क्या बोलता था? सिगरेट मारो, गांजा मारो, दारू पियो, सब नशे करो, सारे तजुर्बे लेने की तो कहता था यार वो। और हमने यार उसकी एक नहीं सुनी, और वो आज कहाँ है और तू कहाँ पर है? अबे तू भी तो यहीं पर है। अरे बात वो नहीं है, बात ये है कि तजुर्बा नहीं लिया यार हमने, मुझे लगता है अब हमें तजुर्बा लेना चाहिए। चलो तजुर्बा लेते हैं, लेते हैं फिर। चलो माल का जुगाड़ हो गया भाई, पेपर का जुगाड़ हो गया भाई, चल भुगते हैं फिर। ये तजुर्बा तो बढ़िया है भाई। हाँ ब्रो भाई, ये तजुर्बा तो हमें रोज लेना चाहिए है ना। भाई ये तजुर्बा सही है ना। भाई ये तजुर्बा सही है ना, रोज लेंगे इसको। भाई आर्यन भाई, कुंदीप महेश्वरी है तो एक नंबर आदमी, पूछो कैसे? कैसे भाई कैसे? भाई क्या मस्त मस्त मोटिवेशन देता है भाई। तजुर्बे बहुत बेहतरीन है यार। भाई ऐसे तजुर्बे तो हमें रोज रोज करने चाहिए, बनेगा नहीं बनेगा। भाई ये माल का क्या करना है? भाई माल तेरा भाई है ना, इसमें रख दे। तेरा टेस्ट पेपर है ये? अब तो टेस्ट पेपर है तो क्या दिक्कत है, भूल गया क्या? क्यों डरते हो जिंदगी में, जो भी होगा तजुर्बा होगा। आदर्श 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 उठ। क्या है? तेरा कल टेस्ट था ना, कहाँ है पेपर, कहाँ है? अरे बैग में, निकाल लो। ठीक है। आदर्श क्या ये? क्या पापा? अरे तुझे नहीं पता क्या ये? नहीं पापा। हाँ जब भी मैं कहूँ तेरी आंखें लाल कैसे रह रही हैं पूरे दिन, हैं? और हमसे क्या कह रहा था तू कि रात रात भर पढ़ रहा हूँ है ना? हाँ, और अब तो गांजा घर में भी रहना चालू कर दिया है। अरे हमें तो पहले से ही पता थी तेरी, तुम ना कर पाओगे कुछ जिंदगी में। और ये क्या है? कल का पेपर? अबे तू फिर फेल हो गया? बे चार बार फेल हो गया तू 12th में, शर्म है तुझे? मोटिवेशन नंबर वन, चाहे दुख हो चाहे तकलीफ हो चाहे दर्द, सब कुछ हमारा दिमाग में है। तो फिर दिमाग से हर चीज को खुशी में कन्वर्ट करो।
क्या हो गया भाई, तेरा हाथ किसने तोड़ दिया और सर किसने फोड़ दिया? अरे कुछ नहीं यार, वो पापा ने हमारा टेस्ट पेपर और कुड़िया पकड़ ली है? मेरा नाम तो नहीं आया ना? अरे नहीं नहीं, मैंने तेरा नाम नहीं लिया यार। ऐसे पूछ रहा हूँ तो ठीक है, और बता फिर अब क्या करना है? बैठ बताऊंगा। अब बता दर्श क्या करना है। हाँ आर्यन, मेरा तो मानना ये है कि जैसे कि तू देख रहा है हम दोनों को ही मोटिवेशन कितना सपोर्ट कर रहा है, तो मेरा जो मानना है हमें अपनी मोटिवेशन की राह पर एक और कदम आगे रखना चाहिए। पर कैसे? वीडियो देख के भाई। और कैसे? ओके। अरे यार भाई तेरा फोन बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे, कैसे मिल गया तुझे? तू मेरा भाई है यार, तू अपने पैसे खरीदना फिर। नहीं क्या मोटिवेशन देख, कौन सा वाला? यही वाला लगा, यही वाला। हेलो सर। बेटा इधर आ, बेटा इधर आ। हाँ सर बताइए। सर आपने मेरे थप्पड़ क्यों मारा? निकल यहाँ से, चल। देखा आप लोगों ने मैंने इसका चांडा क्यों मारा? क्योंकि ये साला रोज आके मेरे सेशन में बैठता था, मुझे इसकी शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैं बहुत दिन से सोच रहा था इसके चांडा मारने के लिए, और आज मैंने मार दिया। क्योंकि दो दिन की है जिंदगी, जो करना है अभी करो, इतना डरना क्यों? यार बात बहुत बढ़िया कहता है ये। क्योंकि दो दिन की है जिंदगी, जो करना है अभी करो, इतना डरना क्यों? भाई दो दिन की है जिंदगी, क्यों डरते हो इतना? जो करना है आज ही करो। धीरे मारे यार। लेकिन भाई यार आर्यन, ऐसा क्या है हमारी जिंदगी में जो कि हम अभी और इसी वक्त करना चाहते हैं? मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या भाई? भाई यार मैं तुझे बहुत दिन से बताने वाला था, एक लड़की है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, पर मुझे डर लगता था, मैं उससे बोल नहीं पाता था, पर इस मोटिवेशन की वजह से मुझे लगता है सही तो है यार, जो करना है आज करो, दो दिन की है जिंदगी, क्यों डरना है यार? और क्या भाई, दो दिन की जिंदगी, डरना क्यों इतना, जो करना है अभी करो, मैं करूंगा तेरी मदद भाई। चल फिर, चल। पर यार आदर्श तूने बताया नहीं तू क्या करना चाहता है। भाई मैं बताऊंगा लेकिन टाइम आने पे, लेकिन अभी तेरी मदद करवा दूं यार। यार तू कितना अच्छा दोस्त है, तेरे जैसे दोस्त सबको दे भगवान। हाँ भाई तेरी मदद करवाऊं। चल फिर, दो दिन की है जिंदगी, इतना सोचना क्यों, जो करना है अभी करो, दो दिन की है जिंदगी, इतना सोचना क्यों, जो करना है अभी करो। देख भाई वही वही है। वही है? हाँ। तो जा फिर, किसका इंतजार कर रहा है? पक्का जाऊं? और क्या भूल गया क्या, दो दिन की है जिंदगी, इतना डरना क्यों, जो करना है अभी करो, अभी करो, जो करना है अभी करो, जो करना है अभी करो, जाता हूँ। दो दिन की जिंदगी जो करना है अभी करो, दो दिन की जिंदगी जो करना है अभी करो, दो दिन की जिंदगी जो करना है अभी करो, दो दिन की जिंदगी जो करना है अभी करो, दो दिन की जिंदगी जो करना है अभी करो। हाय। हाय आप कौन? मैं कोई भी नहीं। तू क्या कर रहा है? दो दिन की जिंदगी तो डरना क्यों, जो करना है अभी करो, जो करना है अभी करो, जो करना है अभी करो। मैं तुम्हारे बहुत दिन से पीछे कर रहा हूँ, मैं रोज तुम्हें यही देखता हूँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, प्लीज मेरी जीव बन जाओ। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं नहीं नहीं, दो दिन की है जिंदगी तो इतना डरना क्यों, जो करना है अभी करो, अभी करो। क्या क्या जो करना है अभी करो, पागल वागल हो क्या? हाथ छोड़ो मेरा। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो, दो दिन की है जिंदगी, इतना डरना क्यों, जो करना है अभी करो, अभी, अरे अभी करो। ऐसे नहीं मानेगा ना तू? रुको रुको, लगता है काम हो गया, तभी इतना टाइम लग रहा है। जल्दी आ जाए यार, सही पे मोटिवेशन है तो बढ़िया, सारे काम करवा देता।
मेरे भाई पढ़िया। भाई ये क्या हो गया भाई? मैं तो प्रपोज कर रहा था भाई। तो मैंने कल डॉक्टर के पास लेके चलती थी। नहीं कोई नहीं भाई, ऐसा हुआ क्या था यार? कुछ नहीं यार, मैं वहाँ गया, मैंने उसको अपने दिल की बात बताई, क्योंकि तुझे तो पता है यार, दो दिन की है जिंदगी, जो करना है आज करो। यार तूने इतना भी क्या गलत कर दिया था यार? कुछ नहीं यार, लड़कियों से बात करो तो ठरकी बोलते हैं, लड़कों से बात करो तो गे बोलते हैं यार। अबे तो क्या करें यार, किन्नरों से बात करें, और अगर किन्नरों से बात कर लो तो उनके साथ ढोलक बजाने वाले। यार मुझे तो समझ ही नहीं आता यार। यार तू मेरी छोड़, तू बता तुझे क्या करना है? अरे तू भी मेरी छोड़ यार, तू देख तेरे कितनी लगी हुई है। हैं? मोबाइल निकाल और उसमें अपनी शक्ल देख भाई, बहुत लग गई है तेरे। अभी देखता हूँ रुक। एक देख। दो दिन की है जिंदगी, जो करना है अभी करो, इतना डरना क्यों? कर दिया। साले तो आज मैं आप सबके साथ अपनी एक बात शेयर करना चाहता था। मेरी बीवी मुझसे रोज बर्तन मंजवाती थी। एक दिन मैंने उसे बर्तन मांजने से मना कर दिया तो उसने मुझे धुन धुन के मुझे मेरी घर से बाहर निकाल दिया। ना तो मेरी बीवी मेरे पास है और ना ही मेरे बच्चे, और अब मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी में अक्सर वही अकेले होते हैं जो सही फैसले लेते हैं, इसलिए हमेशा सही फैसले लो। आज का मोटिवेशन यही है, जिंदगी में अकेले अक्सर वही होते हैं जो सही फैसले लेते हैं। अक्सर जिंदगी में वही अकेले होते हैं जो जिंदगी में सही फैसले लेते हैं। जिंदगी में वही अकेले होते हैं जो अक्सर सही फैसले लेते हैं। हेलो हेलो आर्यन। हाँ पापा। हाँ मुझे कुछ बात करनी है, ऊपर आओ। ठीक है आ रहा हूँ। हाँ जल्दी। हाँ पापा आपने बुलाया। कैसे लगी ये चोट? पापा मैं रास्ते में आ रहा था, एक सांड ने उठा के फेंक दिया तो चोट लग गई। तू क्या सांड से खुद कम है? अब सच सच बता, लगी कैसे ये चोट, या फिर मैं बताऊं तेरे को? मोटिवेशन नंबर वन, चाहे दुख हो या डर, सबको सुख में बदलो। बदल देता हूँ। पापा मुझे ना एक लड़की बहुत पसंद थी, तो मैंने सोचा कि उसको कल क्यों प्रपोज किया जाए, आज ही क्यों ना कर दूं। तो मैंने उसको प्रपोज कर दिया और उसने मुझे बहुत कूटा और देखो मेरे लग गई। तेरे में शर्म नाम की चीज नहीं है? मैं तो सोच रहा था तेरे में शर्म नाम की कोई चीज बची होगी। मैं तो बस तेरे को खुश में समझ के और बता रहा ये बात। अब भी हंसो बेशर्म आदमी। साले तू अभी भी हंस रहा है, तूने पूरे समाज में हमारी नाक कटा रखी है, तू इस घर में रहने लायक ही नहीं है, तू निकल जा यहाँ से, तू यहाँ से निकल। पापा क्या हो गया? क्या हुआ पापा, दुखी कैसे बैठे हो? बेटा तेरी नानी खत्म हो गई। बेटा तेरी प्यारी नानी जो तुझ पर जान छिड़कती थी, पापा नानी खत्म हो गई, आज वो ही अपनी जान छोड़ के चली गई। पापा नानी, पापा नानी खत्म, पापा नानी खत्म हो गई। पापा नानी खत्म हो गई।
अपनी नानी के मरने पे हंस रहा है? तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। चल यहाँ। पापा सुनो, मैं बस दुख को खुशी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप भी ऐसो। अबे साले तेरा दिमाग खराब हो गया, निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, अबे निकल जाए यहाँ से और आ मत जाइयो। अक्सर जिंदगी में वही अकेले होते हैं जो जिंदगी में सही फैसले लेते हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है बे? तू क्या कर रहा है यहाँ पे? और तेरी ये हालत कैसे हो गई? तू बता मैं, तेरी हालत कैसे हो गई? अक्सर जिंदगी में जो सही फैसले लेते हैं ना, वो जिंदगी अकेले गुजारते हैं। सेम यार। मानकेश्वर महेश्वरी गुरुजी, उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ मैं भी। ये सेशन तो हमारा अच्छा गया था, इसमें तो अच्छा बोला था, ऑडियंस भी काफी आई थी, अच्छा सेशन गया था। आगे 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 आगे। अरे अरे हटो यार, गंदे लोगों की। अरे अरे हटो, हट 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 हट। अरे हटो, अरे हटो गुरुजी, गुरुजी सर सर। कहां से आ गए भिखारी? सारे कपड़े गंदे कर दिए, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। क्यों आने दिया मेरे पास इन्हें? सर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप ही ने तो बोला था कोई भी सिचुएशन हो उसको खुशी में कन्वर्ट करो। आपने ही तो कहा था सर, और आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे हाँ तो बोल दिया होगा, मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूँ। वो सब कुछ रियल लाइफ में थोड़ी होता है, वो तो आधे घंटे का मोटिवेशन होता है। मतलब दो दिन की है जिंदगी, इतना डरना क्यों? जो करना है अभी करो, जो होगा तजुर्बा ही होगा। आपने तो कहा था सर। और सही फैसले वो लेते हैं जिंदगी में जो अक्सर अकेले हो जाते हैं। सर आपने ही तो कहा था। वो सब तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ जो मेरे मुंह में आता है। इसका मतलब ये सब बकवास था? इसका मतलब ये थोड़ी है तुम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में ले लोगे। अगर तुम उसे सच्ची में प्रैक्टिकल लाइफ में लोगे ना, तो सड़क पे आ जाओगे। तुमने क्या ले लिया क्या उसको सच्ची में प्रैक्टिकल लाइफ में? आर्यन आदर्श पकड़ ताले को। अरे अरे मार 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 मेरे बॉडीगार्ड को, मार 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 मार। साला मारा साले को। और तू मेरा मोबाइल दे। हाँ तो बच्चों, क्या सीख मिलती है हमें इस वीडियो से? हमें इस वीडियो से ये सीख मिलती है कि मोटिवेशनल कोट्स और मोटिवेशनल स्पीकरों से हमें सिर्फ एक दो घंटे का ही मोटिवेशन मिल सकता है। अगर परमानेंट मोटिवेशन चाहिए तो लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल बने और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से मोटिवेशन लो। समझे कुछ? और लाइक और शेयर करना मत भूलना।